अगर गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और गुजरात एक नया मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है गुजरात के विधानसभा के सदस्य, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। किसी भी पार्टी जिसका बहुमत है और जो नेशनल पार्टी है, उनके हाईकमान को पूरा अधिकार होता है किसी राज्य में मुख्यमंत्री नया देना या बदलना। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला है, कर्नाटक में बदला है, अब गुजरात की बारी है। तो ये उनका कोई आने वाले चुनाव के लिए तैयारी हो सकती है या और कोई बात हो सकती है, वो तो शिवसेना की जिम्मेदारी या किसी और पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है ना। उनके मुख्यमंत्री है, उसने बदल दिया, उसमें क्या है। हमारे यहाँ उद्धव ठाकरे साहब रहेंगे, जब जनता चाहती है तब तक रहेंगे। ममता बनर्जी रहेंगी, उनको कौन हाथ लगाएगा, या चेन्नई के मिस्टर स्टालिन रहेंगे, विजयन रहेंगे। हम भी हमारे मालिक है, वो उनके मालिक है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना चुनाव लड़ने के, देखिए हम चुनाव तो हमेशा वहां लड़े, चाहे हमें यश अपयश कोई भी हो, लेकिन पार्टी का संगठन है, लोग काम करते हैं और उनकी इच्छा होती है। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। तो जरूर वहाँ की हमारी जो कार्यकारिणी ने बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। गोवा में 20 के ऊपर सीटें हम लड़ सकते हैं, उनकी तैयारियां चल रही है। कोई अलायंस हो सकता है शिवसेना के साथ? किसके साथ? शिवसेना को कोई, गोवा में हो सकता है। गोवा में जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का एक प्रयोग हमने किया है, वैसा गोवा में चल रहा है। और भी दो तीन छोटी छोटी पार्टियां हैं, वहां हो सकता है, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें क्या है। ABP News आपको रखे आगे।